जीप वाले मामले पर आपने देश को गुमराह किया। एक सेकंड नदीम, एक से आप सवाल हो गया। हाँ नहीं, आपने गुमराह सवाल हो गया। नहीं अभी हुआ काफी हुआ। अच्छा क्या आपने कहा कि 2000 निश्चित है? मैंने नहीं कहा। आपकी रिपोर्ट आज तक का लोगों लगा? नहीं आपकी रिपोर्ट माइक है, रिपोर्ट कैसे हुई? नहीं नहीं क्या बात कर, आपके चैनल पे चला है, चीजें चली है। चैनल पे नहीं चला है ना, आपके केस का आपका चेहरा है ना, आपका चेहरा है कि नहीं है? आप उस चेहरे में हम पत्रकारिता भाई साहब, भाई साहब कम से कम नहीं मैं एक मिनट जैसा कुछ बात नहीं कर रहा भाई साहब, एक सेकंड, ये आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते, आप रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं? नहीं रिकॉर्डिंग के लिए नहीं, आप लोग इसी के लिए आए हैं। नहीं 140 करोड़ लोगों से जुड़ा मामला था, आप इस तरह के 45 मिनट का वीडियो देखा या 45 सेकंड का? नहीं 6 फीट अंदर में रहेगा वो, 45 मिनट का देखा कि 45 सेकंड का? नहीं नहीं भाई, हम पत्रकारिता के छात्र हैं, हम इनको आइडियल कम मानेंगे। एक गलत बात को आपने जवाब सुनेंगे नहीं, आइडियल मानेंगे। 45 मिनट का वीडियो देखा या 45 सेकंड का? तो 45 सेकंड वाला ही देखा। 45 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिए तब बोलिए। नहीं उसमें चिप वाली जो बात है, पढ़ के बोला है कि ये व्हाट्सएप पे आया हुआ एक फॉरवर्ड है, उस पार्ट को काट के उसके आगे आप जैसे लोग पत्रकारिता के स्टूडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं आपने बोला है, आप झुठला थोड़ा सकती है, आप सवाल से भाग बोला है भाई साहब, सवाल से भाग रही है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड, आप सवाल इतने बड़े नेशनल मीडिया में काम करती है, पत्रकार बन जाए क्या? नहीं ये बनने वाले हैं, बने हुए हैं, बने हुए हैं, पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं हम। अब शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं मैडम से, हमने सवाल किया, इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है, बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप 140 करोड़ लोगों को, आप लोग सब अपने YouTube पे डालेंगे वीडियोस, बहुत अच्छी चीज है, मुझे अच्छा लगा। जस्टिफिकेशन हो जाएगा मैम, यस मैम, एक सेकंड भाई साहब, लेकिन क्लैरिफिकेशन सुनना भी चाहिए। वही मैं बस मैंने बोल दिया, आपने 45 सेकंड का देखा, 45 मिनट का नहीं। तो हमको लगता है अगर लोगों के दिल में फरम है तो बोलना चाहिए आपको कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा मैंने तो बोल दिया, आपने कहा झूठ बोल रही है। ये बात हमने नहीं सुना, मैंने कहा कि भ्रम है। हमको उम्मीद है कि आज के बाद आप कहेंगे कि नहीं ये जो हमारे बारे में फैलाया जा रहा है वो गलत है, हकीकत ये है। मैंने आपसे कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो वीडियो एडिटेड वीडियो है, ये बात आप बोलिए। चलिए चलिए एसआईए में भी सीमा, मतलब सीमा भक्ता, हाँ सुरज भाई, श्वेता सिंह से हो रही थी। देखिए आज तक की जानी मानी पत्रकार है श्वेता सिंह, वो पटना आई थी, जेडीयू कार्यालय में मुलाकात हो गई। तो एक पत्रकार होने की हैसियत से, एक समाज में एक युवा, पढ़े लिखे युवा की जिम्मेदारी की हैसियत से, हमने उनसे सवाल किया कि 2000 के नोट का जो मामला है वो बदलने का जो काम है वो शुरू हो गया है। जिस वक्त ये नोट आया था तो इसके फायदे गिनाए जा रहे थे, और पत्रकारिता जो है लोगों से सरकार को जोड़ने का बड़ा माध्यम है, तो उसमें ये बातें आई थी। तो श्वेता सिंह का एक वीडियो जो है पूरी तरह से वायरल अब होने लगा है, जो 2000 के नोट बंद करने का फैसला सरकार ने लिया, तो उसमें वो कह रही है कि इस नोट में चिप था, और इस नोट को अगर आप काले धन को जमीन के अंदर 6 फीट अंदर डालेंगे, उसके बाद सेटेलाइट जो है रिजर्व बैंक का, वो आपको फाइंड करेगा और पकड़ लेगा कि आपके पास काला धन है। ये वीडियो आपने देखा होगा, आप लगा भी सकते हैं सब लोग उसमें, ये चीजें थी। तो मैडम यहाँ पर आई थी, मैडम से हमने पूछा कि मैडम आप पत्रकार हैं और जिम्मेदार नागरिक इतने बड़े चैनल में हैं, आपको शर्म आती है? शर्म आई आपको कि 140 करोड़ लोगों को आपने गुमराह किया, एक सरकार की पॉलिसी और सरकार के गलत फैसले या सही फैसले को सही साबित करने के लिए आपने इस तरह का बात? तो हमसे उपहास करने लगी, वो मुकर गई, वो कह रही कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, वो इतना काटा गया इतना वीडियो क्लिप, तो वही हवाबाजी के बोल रहे थे। नहीं नहीं वो बोल टीवी पे तो बोल ही रही है, आज भी वीडियो क्लिप है, लेकिन वो अब मुकर रही है, उनको लगा कि भाई यहाँ पर आए। तो हमने उनसे सवाल यही किया, हमने उनसे यही पूछा कि श्वेता जी आप एक बड़ा चेहरा है, यहाँ पर आई आप जरा हमको बताइए, चीप वाला जो मामला था कि 2000 के नोट में चीप है, उससे आपको शर्मिंदगी हुई, आपको शर्म आई कि आपने गलत किया था, आपने माफी मांगी? उस चीप के चक्कर में कितने लोग 2000 का नोट फाड़ कर चेक भी? नहीं नहीं मर गए लोग यार, वो मारने का मामला नहीं है, लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मैं आप सब पे केस कर सकती हूँ। हाँ उन्होंने कहा, तो हमने कहा कि केस कर दीजिए, अगर वो हम पर केस करना चाहती है तो केस कर दीजिए, न्याय के लिए लड़ने में कोई दिक्कत थोड़े है। हाँ ठीक है, बड़का वकील नहीं रखेंगे, अपने खड़े हो जाएंगे कोर्ट में जाके। क्लेरिफिकेशन क्या दी है? क्लेरिफिकेशन वो ये दे रही है कि हमारा जो वीडियो है पूरा 40 मिनट की रिपोर्ट है, 45 मिनट की, उसमें हमारा इतना ही वीडियो काट के 45 सेकंड का डाला गया। ये पॉलिटिकल बयान होता है, नेता अगर किसी को बोलेगा कि रे तुम ज्यादा बदमाशी कर रहा है तुम्हारा हम हत्या करवा देंगे, तो क्या कहेगा नेता? पता है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। वही बात श्वेता बोल रही है कि देश के सामने हमने लोगों को गुमराह किया कि 2000 का नोट में चिप था, हमने इनसे सवाल किया कि आप पटना आई हुई हैं, आप जवाब दे दीजिए, इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरती से बात करती है, 140 करोड़ लोगों को गुमराह किया आपने पूरे देश में, कि उसमें 2000 के नोट में चिप था, तो चिप जब था ही तो बंद करने की क्या जरूरत थी सरकार को? उसी चिप सेटेलाइट से पकड़ लेना चाहिए, फोन फाइंड माई फोन होता है ना भाई, क्या फोन को अगर आपका फोन खो गया तो उसमें एप्लीकेशन है। तो वही जो चिप वाला मामला था, तो मैडम गुस्सा गई हमसे, मेरा नाम पूछने लगी, बोले नाम आपके नाम का माना क्या होता है, हम नाम का माना बताए, तो हंसने लगी कि हम इस नाम को कभी सुने ही नहीं है, हम बोले मेरे जैसा आदमी कभी भेंट ही नहीं हुआ होगा आपको, पटना है बिहार है। तो सवाल तो जायज था,
पत्रकार को ही पत्रकार से, आम लोगों को ही पत्रकार से, पत्रकार को आम लोगों से, और आम लोगों को प्रधानमंत्री से सवाल करना ही चाहिए। सवाल करने की जो पद्धति है वो इस वक्त खत्म हो गई है, इसलिए लोगों को दिक्कत है। सवाल कीजिए, श्वेता सिंह से सवाल किया, उम्मीद है कि लोग समझ गए होंगे कि बेचारी कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रही है। उनके साथ जो रिपोर्ट कैमरामैन था वो पूछ रहा था आप कहां से पढ़ाई किए हैं। नहीं नहीं, कैमरा देखिए होता क्या है कि एक दो आदमी को घेरिएगा तो उसके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, ये सिस्टम है। तो बेचारे नदीम आलम साहब आज तक के कैमरामैन है, बहुत सीनियर है, पटना के ही है वो, तो हो सकता है कि उनको लग रहा होगा कि महिला है या कुछ इस तरह की बातें होगी, पॉलिटिकल जो हंगामा होता है, जैसे अंजना ओम कश्यप को उस वक्त सरकार बन रही थी राजभवन के सामने, लोगों ने हंगामा किया। हम लोग का मकसद हंगामा करना नहीं था, हमारा मकसद था उसे सवाल करना कि मैडम ये 2000 के नोट वाला जो चिप है उस पर आपको शर्म आ रही है, आप माफी मांगिएगा कि आपने गलत किया था, गलत बोला था, तो मैडम उसमें शर्मा गई।